अंदर भेज दिया। Thank you.
चाहता हूं आज हम लोग वीडियो की इस जगह पर लगाई गई है, लेकिन वर्दी पहन के लोग धोखा करते हैं। इतना समय हो चुका है, सबकी लालसी को मालूम है कि हमको घाटी की ओर जाना है, लेकिन ना तो यहां कोई हवलदार का मन और ना ही लाल सिंह का कोई पता है। यह तेरा सल्यूट मारने का कौन सा तरीका है? दोनों हाथ पसे थे तो जरूरी था। अब क्या करी, मान सम्मान की बात है, लंबा सलूट मार दिए धाकर। अच्छा, मान सम्मान करता है, पैर से सलूट मारता हूँ, सम्मान करता है। कहिए तो दोगला साहब, किस लिए याद किए आपने? अबे दोगला नहीं, दरोगा साहब बोल, तुझे बोलने की भी अकल नहीं है। यस सर। यस सर नहीं, यस सर बोला जाता है। यस सर। लाल सिंह कैसे कैसे लोग लगाने, ऐसे लोगों को कहां से ऐसी नौकरी मिल जाती है, समझ में नहीं आता है। और नौकरी भी मिलती है, छोकरी भी मिलती है। हजार तुम्हें मालूम होना चाहिए इस वक्त हम लोगों की ड्यूटी कहां पर लगाई गई है, किस लिए लगाई गई है, कहां पे लगी है साहब? घाटी की ओर, जहां से आतंकवादी आते और जाते हैं, और आजकल काफी मात्रा में चंदन की लकड़ियां भी काटी जाती है। ओ माई डॉग। माई डॉग नहीं, माई गॉड। माई गॉड। याद रखो, ये सारे आतंकवादी, आज तुम्हारा पहला दिन, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। ये सारे आतंकवादी हमारे हिंदुस्तान से चंदन की लकड़ियां लेके जा रहे हैं, तुम्हें तो देख लूंगा भोसड़ी वालों। आ सकते हैं? ठीक है सर, आ सकते हैं। एक एक को छुन छुन के मारूंगा सालों को। हवलदार। यस सर। तुम नदी की उस पार जाओगे। ओके थैंक यू। और तुम पहाड़ी की उस तरफ जाओगे। थैंक यू सर। और मैं नदी की ओर जा रहा हूँ। ठीक है सर। अगर भी कोई ऐसा मिले तुरंत सूचित करो। ओके श्रीमान। आयुष, आयुष एक छोटा सा बच्चा है, ये दरोगा साहब के लिए 5 रुपए स्पेशल और हवलदार लाल सिंह के लिए 5 रुपए स्पेशल पार्टी। हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। सर वन मिनट, वन मिनट है। आतंकवादियों का फोन था, शांति वाला संदेश फोन पे साले देते हैं, इसलिए मैं उसके लिए गोबर का हलवा लेकर जा रहा था। सर खिला के मार डालू सर। आप सर ये आतंकवादियों को डार्लिंग बोल रहा है, इन सालों की बेइज्जती करो ऐसा कह के ये सारे आतंकवादी आतंक करना बंद कर देंगे। तेरी बीबी का फोन था बे? नहीं नहीं, फोन रख, फोन रखो, रख फोन, रखो ड्यूटी के टाइम घर का फोन नहीं उठाने का, ठीक है? ओके थैंक यू सर। सर नहीं, सर बोला जाता है। हाँ यस सर। मैंने जिस तरह कहा ठीक उसी तरह जाइए आप लोग। आप उस तरफ
जाए हम लोग इस तरफ। तुम इस तरफ जाओ, मैं सांप के साथ चलता हूँ। ऐसा है क्या? कभी गोला बारूद कम हो गए तो सांप को मुहैया कौन करवाएगा? तो ठीक है सर, आप नदी की तरफ चले। ठीक है, चले सर। ठीक है, चलिए आइए। ये सिपो चलो, इंग्लिश बहुत बोलता है। थैंक यू सर। कोई आतंकवादी नहीं है। साहब ये आतंकवादी है। कैसे तूने मालूम कर लिया कि आतंकवादी? सामने के जेब में दो बॉल रखा है। नहीं, वो लड़की है। और अगर तेरी इसी तरह की लापरवाही होती रही ना। नहीं 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 साहब, लड़की भी तो आतंकवादी हो सकती है। नहीं, उड़ा इसको। हो सकती है लेकिन कहाँ बम रखा है? किधर बम है? बम सामने के जेब में डाल। अरे सामने के जेब में नहीं, लड़की है। उड़ा इसको अभी, इस हिसाब से चल रही है। उठाओ उठाओ, चोट नहीं उठाओगे, ये उठाएगा। तुम उठाओ मत, पंचनामा लिख रहा हूँ। चलो चलो उठाओ, उठा इसको, उठा उसको, राइफल रख इधर। तुम हमारा पकड़ लियो हथियार, पकड़ लियो। ए भैया, जवन हमरे डिपार्टमेंट के हो भैया, उकाई मुकाई लियो। हम लहास उठावे जाए कि नहीं, बेइज्जती खराब होई। भई लहास नहीं है, लड़की अभी जीवित है। लड़की है वो अभी जीवित है। वक्त अभी फिर क्या मालूम कब मरी। हम एक उठावे जाए कि हमरे सोहरात है। अभी तेरे ऐसे सोहरात हुआ ना, तेरा ट्रांसफर लगता है, मुझे जल्दी करना पड़ेगा। नदी में पानी थी, लगता है इसके पेट में पानी चला गया है। ठीक है, इसको कैंप में ले जाओ, वहाँ भी डॉक्टर है, इसका इलाज करवा लो। जैसे ही इसको याद आता वापस तुरंत लेके आओ। ठीक है, इसको कैंप में ले चलो। अरे कैंप में ले चलो भाई, का सहारा पहले। अरे बहु वजन हाइब्रिड किया।
फिर मैं आ रहा हूँ न्यूरोबियानी इंजेक्शन देऊंगा। लड़की होश में आओ। नहीं होश में आ रही है। अरे उसको अरे इंग्लिश वाली दारू पिला दे, कुल्ला करा दे। लड़की देखो डरने की कोई बात नहीं, डरो मत। देखो हमारी तरफ देखो, तुम्हें कोई सताएगा नहीं। होश में आई पीकाओ। अरे ये लो फलान का टेबलेट दे दे भाई। अरे ये लो फलान नहीं, ना फलान बोला जाता है। हाँ हाँ वही वही वही। होश में जल्दी आ जाएगी। हवलदार हवलदार। हाँ सर जी से बोलिए लड़की को थोड़ा थोड़ा होश आ गया। थोड़ा थोड़ा आ गया। हाँ इलाज चालू रखो। इलाज चालू है। इलाज बंद मत करना, करते रहो। इलाज चालू है। फुल होश आ जाएगा तो हमें तुम सूचना देना। हाँ फुल होश आ गया है। आ गया है। हाँ अब ये बराबर बोल सकती है। बोल सकती है। हाँ अगर खून की कमी हो तो आपन खून चढ़ा दो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बाकी हम तुम्हारे मोड़े दे। सर जी से, सर जी से बोलो कि लड़की को बराबर होश आ गया है। होश हाँ लड़की को होश आ गया है। अगर लड़की होश में आ गई है तो उसे सामने लेके आओ। इसको लेके आओ कमियर। ओके सर यही लड़की है। ओए भागना मत, इसे बराबर होश आ गया है। आतंकवादी है हवलदार। ये भाग सकती है साहब। वो नहीं भागेगी। कहे बोल नहीं कहे की अब एक रोज को देख के भाग रहा था, अब उस पर बंदूक के ताक रहा है। बात करो पहले, सो बात करो। ये लड़की तू यहाँ इस जंगल में कैसे आई? अरे साहब हमको पता है कैसे आई है। कैसे आई बे? घोड़े घोड़े। अच्छा बे ये तो सब लोग जान रहे हैं घोड़े घोड़े नहीं क्या सर के बल आई क्या? हे भगवान ये कैसे आई? मुझे कुछ नहीं मालूम आपसे, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं आपसे सच कह रही हूँ। ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, सही सही बता दे तो कैसे आई और कितने आप गए तेरे साथ? भगवान क्या बताऊँ क्या कहूँ, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ? साथ जी मैं छोटे बोले मैं आपसे मुझे लगता है इसकी यादाश्त वापस चली गई। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है क्योंकि ये कुछ बता नहीं रही है। अगर इस हालत में इसको छोड़ देंगे तो नगरी इलाका है, नगरी जानवर इस पर हमला कर सकते हैं। हमला कर सकते हैं, कहीं भी मर सकती है। और हम लोगों का फर्ज है इसकी हिफाजत करना। क्यों नहीं सर? रोना नहीं। जब तक इसकी यादाश्त वापस नहीं आती तब तक ही हमारे साथ कैंप में रहेगी। हमारे कैंप में ये सर बाहरी लड़की और हमारे कैंप में रहेगी, कोई देखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये खुफिया एजेंसी की लगती है साहब। अरे जब उसको कुछ अगर तुझे काम करने में मन नहीं लगता तो छुट्टी ले ले और चला जा। नहीं साहब ये नाटक कर रही है। अगर नाटक कर रही है तो भी मालूम हो जाएगा ये कौन है, कहाँ की रहने वाली, इसके साथ कितने साथी है। हाँ ये पूछना जरूरी है। लड़की सच सच बताते कितने साथी है तू, कहाँ से आई है, कौन है तू? मैं छोटी नहीं बोल रही हूँ, मुझे विश्वास करो मैं सच कहती हूँ। मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरा क्या लाभ है, मेरे कहाँ घर है, मेरे कहाँ गाँव है। अगर सीए नहीं जाती है कुछ देश को इसी जंगली इलाके में छोड़ दो, ये अंते आप बता देगी ये कौन है। अच्छा बताती हूँ। सच सच बता नहीं डाल दूंगा, निकालना भूल जाऊंगा सर जाएगी। मैं बताती हूँ, मैं सच सच बताऊंगी। थाने ले चलूंगा बताएगी। मैं सच सच बताऊंगी। कौन मैं? कौन है? कहाँ पे रहने वाली है? झूठ मत बोल, झूठ मत बोल। अगर इसने कुछ नहीं कहती थी मुझे इसी जंगल में छोड़ के चले जाए। चलो कुछ कहती हूँ। शेर बाप सीधा खा जाएंगे, नोच नोच के चमड़िया खुरच खुरच के। एक चीज बताऊंगी बस, एक चीज बताएगी बस, वो कौन सी चीज है? देखो देखो मैं अपना नाम जानती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ। मेरा नाम है सालू। सर ये अपना नाम बता रही है। नाम बता रही है सालू।
हमको तो लगता है ये जादू है, झूठ बोलती है। इसका मतलब तेरा नाम सालू है? जी साहब, मेरा नाम सालू है। और दिमाग पे जोर डालो, शायद याद आ जाए तुम कहाँ के रहने वाली, किसकी बेटी हो। तुम्हारी अम्मा का क्या नाम है? पिताजी का नाम नहीं पूछेगा, अम्मा का पूछेगा। देख, प्यास से तेज कहती हूँ कि मुझे और कुछ नहीं याद। सर, मेमोरी इसका दिमाग थोड़ा अभी डिस्टर्ब है। मुरेरी खराब हो जब तक इसकी यादाश्त वापस नहीं आ जाती अच्छी तरह से, ठीक नहीं हो जाती। हाँ, तब तक ये हम लोगों के साथ रहेगी। ठीक है सर। साहब, इसको मेरे क्वार्टर में भेजवा दो। हाँ, इसके क्वार्टर भेजवा दो। तो जैसे बच्चा भी इसके क्वार्टर में नहीं रहेगी। ना ना, बाल ब्रह्मचारी मिली तुम्हारी नहीं यार। अब तेरा समय आ चुका है। अगर आप मेरा परिचय जानना चाहते हैं तो इन्हें और इन्हें पहले आपसे हटा दीजिए, तब बताऊंगी। हम आपसे नहीं बताएंगे। हमारे साहब से बताएंगे? केवल साहब से बताऊंगी। साहब से बताइए, साहब से। कौन जाए? अगर इन दोनों को हटा देंगे तो तुम अपना परिचय बताओगे? हाँ, मैं बताऊंगी। मुझे लगता है इसके साथी आसपास छुपे हैं और हमें ये हटाना चाहती है और तुम्हें इनकाउंटर बना करके उड़ाना चाहती है। खबरदार, हम नहीं जाएगा। तो जाएगा है को? तो जाएगा, या तो इस वक्त यहाँ से जाएगा या तो फिर अपना इस्तीफा लेकर जाएगा। हम जाता है। तुम जा सकते हो। ठीक है, तुम जाओ। लाल से इधर उधर उड़ो, मैं देखता हूँ ये कौन है, कहाँ की रहने वाली है। ठीक है सर, लेकिन होशियार रहना, हम यही पास में हैं, बगल में। अरे मेरी चिंता छोड़ो, तुम लोग जाओ। ठीक है सर, ओके, थैंक। हाँ तो बेटा जी, बताइए आप कुछ याद आया? बताए, सुनो। और प्यार दे दीजिए दिया मैंने तुझको दिल जानी। यही तेरी याद तो वापस आई है? अरे पागल है क्या? क्या हो रहा है इधर? आपकी तरफ ये छानियां क्यों हिल रही हैं? और प्यार से दिल दे दिया मैंने तुझको दिल यादाश्त आती है और वापस चली जाती है। सही सही बता, क्या नाटक कर रही है और क्या कर रही है? याददाश्त आई भी तो ऐसी याददाश्त आई कि उल्टी गंगा मार दी तूने। अरे तुझे मालूम होना चाहिए कि जितेंद्र सिंह है, तेरे लपड़े फंसने वाला नहीं है। साहब उल्टी कर रही हूँ, मैं टेबलेट लेके आया हूँ। तुझे आया से मैंने कहा तू जाए यहाँ से। ये झाड़ियाँ क्यों हिल रही थी साहब, समझ में नहीं आ रहा जी। बताओ
क्या तुम्हें ये सब करना नहीं आता? नहीं नहीं आता? नहीं बाबा नहीं। अगर तुम्हें अपने आप पर से बताना है तो बताओ, वरना तुम्हें ले जाकर अभी ऐसे जेल में डाल दूंगा ना कि वहां से निकल नहीं पाएगी। मैं सच कहती हूँ, मेरे साथ कोई साथी नहीं, कोई मेरे साथ है ही नहीं। कि भैया मैं हूँ और मैं कैसे आई, कहाँ से आई, मुझे कुछ नहीं पता। क्या बताऊँ, जमाने को देखते हुए ये भी लग रहा है कि सयानी लड़की है, अगर इसको अपने साथ रखूंगा तो दुनिया उंगली उठाएगी कि ये है कौन, क्यों रहते इनके साथ, ये कौन है, क्या संबंध है इसका, और कौन सी मेरी अभी शादी हुई है। चलो देखते हैं। साहब शादी कर लीजिए ना, मुझे भी आराम हो जाएगा, खाना नहीं बनाना पड़ेगा। तू तो साले अपने खाने के पीछे पड़ा रहता है, काम चोर हो गया आजकल तू। ठीक है सालू जी, जी ठीक है, हम तुमसे वादा करते हैं कि आज के तीसरे दिन हम तुमसे शादी मंदिर में करेंगे। भैरव बाबा के मंदिर में होई। अच्छा ठीक है, आप तो तुम चल सकते हो मेरे साथ। चलूंगी, आपका कहीं तो बहुत बड़ा है। अरे बहुत बड़ा नहीं है, अरे हम लोग इधर पहाड़ी की ओर रहते हैं, छोटा सा कैंप बना के उसी में रहते हैं। अच्छा अच्छा, और तुम ये चिंता मत करो, तुम्हारे तुम्हारे लिए अलग व्यवस्था कर दी जाएगी। ठीक है ठीक है, आ सकते हैं। चल तो ठाकुर नटराज से कह दूंगा, तुम्हारी गलती से दिया तो अभी सोने चाव से खत्म कर दिया, रोते हुए जाओ तो ठाकुर ने विश्वास हो जाए। क्या करूं ठाकुर साहब, मैं जस के चरण बागीचे की तरफ गया, उसे कोई तो परेशान होकर आ दिया, अभी तो आगे और मेरी राइफल रेंज से बाहर थी, कोई वहां तक नहीं पहुंच सकी। तो इस वक्त कहा है, इस वक्त फरहार हो चुका है, इसको फौरन गिरफ्तार करो। ठीक है ठाकुर साहब, मैं गिरफ्तार करके लाऊंगा, जा रहा हूं। तो चमादे से पहले इतना बड़ा झूठ बोलने से पहले तेरी चिंता नहीं करता। जो इंसान इंडिया बिंडिया को हाथ लगा सकता है उसे जान से मार भी सकता है, क्यों ना खोल दिया है उसे। कौन कहता कि मैंने, मैं कहता हूं मैं। अरे झूठे खून तो तेरा थमने लायक है, चल तुझे हमारे साथ चलना होगा ठाकुर साहब की हवेली पे। चल हाँ। मैंने कोई गुनाह किया तो मुझे कोई डर नहीं है, मैं चलने के लिए था। Oh,
राहत कुछ है।